नाम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। खुर्जा के गांव सराबा में कब्र से खोदकर निकाला गया विवाहिता का शव। 25 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी विवाहिता की मौत। ससुराल वालों ने बिना बताए कर दिया था अंतिम संस्कार। अब मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर जिलाधिकारी से लगाई थी पोस्टमार्टम की गुहार। नायब तहसीलदार व पुलिस बल की मौजूदगी में निकाला गया विवाहिता का शव। रखेड़ा निवासी शाइना की शादी जनवरी में सराबा के सलमान के साथ की गई थी। दहेज के लिए शाइना साइन के साथ मारपीट की जाने लगी, जिसका एक मुकदमा अंतरौली थाना में की गई थी। हत्या से पूर्व 15 दिन पहले समझौता के पास शाइना सराब अपने पति के साथ आ गई। 25 अक्टूबर को बिना मायके पक्ष को बताए शाइन का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। खुर्जा कोतवाली नगर के जंक्शन चौकी गाँव सराबा का मामला। पीसी बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। जी मेरा नाम अकरम खान है। अकरम जी, आप कौन हैं इनके जो मृतक हैं? ये मेरे भाई की बेटी है। क्या मामला हुआ था इनके साथ? मामला ये हुआ कि साहब इसकी 20 जनवरी की इसी 2019 में शादी की। रिलेशन इतने बढ़िया नहीं रहे। शादी के 2-3 महीने बाद ही इनमें अनबन झगड़े होने लगे। फिर हमने मुकदमा लिखा दिया, मुकदमा भी लिख गया। 4 महीने मुकदमे में चले गए। हमारी बच्ची प्रेगनेंट हो गई साहब, 4-5 महीने की, 4-5 मंथ प्रेगनेंट। फिर उसके बाद इन्होंने ये हुआ कि वहाँ पर हम लोगों ने जो फैसला किया वहाँ हमारी गलती हो गई कि हमने सब लोगों की मान के लड़की को भेज दिया और ला के इन्होंने 15वें दिन 16वें दिन लड़की मार दी। इन्होंने ख़त्म कर दी, दफना दी। हम लोग आए, जब हम लोग यहाँ पहुँचे, कुछ लोग पहुँच गए, कुछ नहीं पहुँचे। हमारे लोगों ने कहा भी दफनाओ मत, हमारे आदमी आ रहे हैं, नहीं आने दिया। फिर हमारे साथ मारपीट की, हमने मुकदमा लिखाया जाकर, उसमें एक मुलजिम को जेल भेज दिया गया है। फिर हमने इसके पोस्टमार्टम के लिए अर्जी, ये 25 तारीख की घटना है सब। तो आज क्या हो रहा है? आज पोस्टमार्टम हो रहा है। हमने पोस्टमार्टम के लिए डीएम साहब को अर्जी दी थी, एप्लीकेशन दी थी, उस पर हमारी कार्रवाई हुई। अब प्रशासनिक तरीके से यहाँ पर जो पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद हम अपनी बेटी की मिट्टी को अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं। हम वहाँ ले जाएंगे, अपने वहाँ दफना लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमारा कोई रिश्ता रहा नहीं। हम आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो हम अपना देखभाल करते रहेंगे, हमको भी जरा तसल्ली रहेगी। कौन कौन पकड़े गए वैसे अभी तक? इसमें अभी सिर्फ एक ही मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, जो जेल भेज दिया गया, जो लड़की का हस्बैंड था। बाकी जो 3 मुलजिम है वो अभी नहीं गए। कहाँ है वो लोग? वो लोग यहीं होंगे सब। पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या कर रही है ये पुलिस बताएगी। अभी तक कैसे गिरफ्तार नहीं हुए ये पुलिस का काम है सर। सर एक बॉडी को निकाला गया, क्या है मामला पूरा सर? ये दिनांक 25/10/19 को एक मुकदमा खुर्जा नगर थाने में पंजीकृत हुआ था 304B 498 504 506 और 3/4 DP एक्ट का। ये एक शाहीन नाम की महिला थी, वाइफ ऑफ सलमान सराबा दादूपुर की थी, जो किन्हीं परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई और उसको सुपुर्द के खाक कर दिया गया था। लेकिन उसके मायके वालों ने ये तहरीर दी कि मेरी बेटी को मार के दफना दिया गया है। अतः जिलाधिकारी महोदय की अनुमति द्वारा उसके जो कब्र से बॉडी को निकलवा के पोस्टमार्टम हेतु जो है भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा पूर्व में पंजीकृत हो चुका है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए।